सब तो पहले तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी साहब का इंतहाई मशहूर ममनून हूँ कि उन्होंने मौका फराहम किए वेखू मेरे सामने मेरे नाल स्टेज पर खड़े हुए तमाम पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देवन का मैं दिल दे ताक रहे नाल जश्न आजादी की मुबारक पूरी पाकिस्तान कौम को देना। मैं असिस्टेंट कमिश्नर एमएम को शर्किया अहमद नदीम हाशमी साहब का इंतहाई मशहूर ममनून हूँ कि पिछले दिनों इन्होंने हमें मजबूर किया, मौका फराहम किया। यहाँ जिना हाल में जब हम इस्तकाम में कश्मीर रैली निकाल के आए थे तो इन्होंने ये अहमद पोषण किया कि तारीख में पहले असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिन्होंने उस वक्त महफिल में मुझे कहा कि आप मलिक मुनीर वारंट शहीद की तस्वीरें भिजवाएं और हम इस चौक मुनीर शहीद जो अहमद पोषण शर्किया का पहला शहीद है और अहमद पोषण शर्किया का ये चौक मुनीर शहीद के नाम से मशहूर है, लेकिन ये किसी को ये शर्फ मिलता है, ये मौका मिलता है, ये किसी के गले में सिरा आता है, सर पे ताज आता है, ये अहमद नदीम हाशमी के सर पे आना था कि इन्होंने मुझे जिला हाल में कहा कि किसी वारंट कौम ने यहाँ तस्वीर नहीं भिजवाई। मैंने कहा कुछ लोगों को तकलीफ होती है लाज वारंट से, इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। आए तो वो शहीद, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कौम का है, मेरा भाई है, मेरा अजीज है, मेरा बुजुर्ग है और हमें फख्र है कि हम उस कबीले से ताल्लुक रखते हैं कि पाकिस्तान की खातिर 1965 में हमारे कबीले के फर्द ने जिसके वालिद मोहतरम मलिक बशीर अहमद दिया जी रिटायर हुए उनके चश्मो चरार यही अकेला एक मुनीर वारंट था जिसने अपनी जवानी अपना खून पाकिस्तान की सरजमीन पे बहा दिया और मुल्क पे आंच लाने दी। तो इनकी इस मोहब्बत को मैं सलाम पेश करता हूँ, अहमद पोषण शर्किया के लोगों की मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इसको याद रखा और हमें भी फख्र है कि हम इस बिरादरी से हैं। फिर मैंने तस्वीरें बनवा के अहमद नसीम हाशमी साहब को भिजवाई हैं, इन्होंने मेहरबानी की है कि एक शहीद की यादगार को मिसमार होने से, नाम ख़त्म होने से, यादों से मिटाने से बचा लिया और हमारी फौज के आला क़यादत का इंतहाई मशहूर ममनून हूँ जिन्होंने इस चौक मुनीर शहीद के लिए एक्शन लिया और पाक आर्मी के उन अफसरान को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ये हुक्म दिया कि ये शहीद की जो यहाँ पे नेम प्लेट थी वो उसको मिसमार किया गया है, लेकिन इसको दोबारा बहाल किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मलिक मुनीर अहमद वारंट शहीद जिंदाबाद, मलिक मुनीर अहमद वारंट शहीद जिंदाबाद। मेरा आज के दिन से मुनासिबत से पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को ये बताना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे बना था और आपके मेरे मौला, आपके और मेरे नबी, आपके और मेरे ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उसके मोहम्मदी हैं, उनके नाम लेना लेवा है। ये पाकिस्तान उस मकसद के लिए बनाया गया था कि गरीब की इज्जत हो, गरीब की हिफाजत हो, गरीब को उसकी दलील पे इंसाफ मिले और गरीब आदमी को उसको रोजगार मिले और उसको इज्जत के साथ जीना
नसीब हो ताकि ये पाकिस्तान में एक आजादी की सांस ले सके, अपने देव की बात कह सके, अपने हकूक ले सके, अपने मुल्क के अंदर आजादी से रह सके। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान पूरी दुनिया में जब आप जाएंगे तो वहां पाकिस्तान का बच्चा मिलेगा जो इंजीनियर होगा, पूरी पाकिस्तान कौम का बच्चा पूरी दुनिया में जाएंगे डॉक्टर होगा, साइंसदान होगा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कौम ने जाके अपने अपना लुआ जमाए है। और आज भी मैं यही दुआ करता हूँ कि ये जो हमारी नस्ल है, जो बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और आगे जाके ये दुनिया को ये 14 अगस्त बनाने का मकसद ये है कि हमारे दिल में ये बात है कि हमने दुनिया की बात जोर संभाल लिया क्योंकि हम मान लिया है। और दुनिया के हर बच्चे को, हर बंदे को, हर माँ को हमने मोहम्मदी बनाना है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मोहम्मदी होने का मकसद क्या है? मोहम्मदी होने का मकसद है क्या? कुव्वत, रवादारी, मोहब्बत, प्यार, अमन के साथ हमने रहना है। और दुनिया में हमने अपनी बात को मनवाना है कि हम हक सच के साथी थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे लेफ्ट हैंड पे नौजवान खड़ा है, अहमद इसका नाम है, चीमा इसकी कास्ट है और पेशा इसके बॉडी बिल्डिंग है। ये एमएमपुर का फखर है। किसी दौर में पहले भी प्रोग्राम पे आते भल्लू था नौजवान जो पाकिस्तान के अंदर उसने और दुनिया के अंदर हमारे एमएमपुर का नाम रोशन किया था। आज इसके ऊपर मुझे फखर है कि इसने पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर एमएमपुर शरीकिया का नाम रोशन किया है। और मैं दुआ करूं कि 28 तारीख को ये जो है वर्ल्ड के लिए, एशिया वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, ये हमारे पाकिस्तान की आस और उम्मीद है। ये अल्लाह पाक से आप सभी इत्तेसा है कि इसके लिए दुआ करें कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करके और एमएमपुर का नाम रोशन करके। इसके लिए आप तमाम लोग रात दिन दुआएं करें ताकि पाकिस्तान के अंदर इसका नाम रोशन हो। और एक बार फिर मैं एमएमपुर शरकिया की कौम को, अवाम को, भाई को, बहनों को, बेटू को जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एमएमपुर शरकिया की इंतजामिया का और असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने एमएमपुर शरकिया की अवाम को एक बार फिर पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाने का मौका फराहम किया। शुक्रिया, वसलाम। पाकिस्तान।